उत्तराखंड हाईकोर्ट से हरीश रावत के लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 9 बागी विधायकों की अर्जी खारिज कर दी है, जिसके बाद ये विधायक मंगलवार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बागी विधायकों ने हाईकोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चीफ जस्टिस ने मामले को जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के पास भेज दिया है। विधायकों की अर्जी पर दोपहर 2 बजे के आसपास सुनवाई हो सकती है। विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप में घिरे हरीश रावत सोमवार को सीबीआई पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने सीबीआई से मोहलत मांगी है, जांच में सहयोग करूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा। राज्यसभा में एक बार फिर से अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसदों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी राज्यसभा में माफी मांगे और इस पर बयान दें। सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में से जवाहरलाल नेहरू के योगदान का उल्लेख हटाए जाने को लेकर उठे विवाद पर शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से संबंधित उल्लेख हटाने के आरोप निराधार है। सीकर में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और उसके बाद उन्होंने कहा कि न्याय आपके द्वार योजना का आमजन को काफी फायदा होगा। सवाईमाधोपुर के कोचर गांव में चारे पानी के अभाव में गायों की मौत का मामला अतूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर विधायक दिया कुमारी ने हालातों का जायजा लिया। गायों को चारे पानी की व्यवस्था के लिए 2.5 लाख रुपए का चेक दिया। सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी बिन लादेन ग्रुप ने 50 कामगारों को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाले जाने के बाद सीकर के रहने वाले कामगार सऊदी से लौटने लगे हैं। शेखावाटी पहुंचे कामगारों ने बताया कि कंपनी ने उन्हें 6 महीने से सैलरी नहीं दी। जयपुर के श्याम नगर थाना में 2.5 साल की मासूम बच्चे के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बच्चे के परिजनों ने स्कूल के चपरासी पर बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं मामले को लेकर स्कूल प्रशासन चुप है। कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके में शनिवार को फांसी लगाकर जान देने की कोशिश करने वाली युवती के इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। शनिवार को उसका पेपर था। पेपर देकर घर आने के बाद छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। टोंक के पीपलू इलाके में बजरी से भरे ट्रक ने ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्ची और बुजुर्ग महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 23 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागौर की कुचामन सिटी में स्कूल बस और ट्रोला की टक्कर हो गई। हादसे में 7 स्कूली छात्रों समेत 12 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिरावा में सूरजगढ़ बाईपास तिराहे पर चीनी की बोरियों से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर खलासी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर के रणजीत नगर इलाके में कुछ लोगों ने शराब के ठेके में आग लगा दी। आग लगने के बाद ठेके में जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से ठेके की छत ढह गई। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। भीलवाड़ा में जयपुर पुलिस ने आरसीएम कंपनी के डायरेक्टर भागचंद छाबड़ा को गिरफ्तार किया है। जयपुर पुलिस ने कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की। झुंझुनू के बुडाना गांव में प्रशासन ने अवैध रूप से लगने वाले ट्यूबवेल का काम रुकवा दिया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद बोरिंग की खुदाई का काम रोक दिया गया। नियम कानूनों को ताक पर रखकर डार्क जोन में बोरवेल की खुदाई का काम चल रहा था। इटावा में दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, जबकि ग्रामीणों ने खाली पड़ी जगह पर कब्जा कर रखा है, लेकिन नगर पालिका ने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सड़क पर निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सेकर के रेवासा गांव में बड़ी झील सूख रही है। झील का जलस्तर कम होने की वजह से इलाके में बने नमक प्लांट्स का अस्तित्व खतरे में है। झील का जलस्तर कम होने की वजह से नमक का उत्पादन करने वाले उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में पाठ्यक्रम से पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी पर जवाहरलाल नेहरू का नाम पाठ्यक्रम से हटाने का आरोप लगाया। जैसलमेर में 50 डिग्री तापमान में काम करने वाले सैनिकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल पोखरण के भूमराज गहलोत ने सैनिकों के लिए खास तरह की शर्ट बनाई है, जिसे पहनने से सैनिकों को गर्मी से राहत मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल शाहपुरा के अरवड़ ग्राम पंचायत के दौरे पर रहे। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विधायक कोष से 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का लोकार्पण फीता काट कर किया गया। चौमू स्थापना दिवस की 421वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर नगर पालिका में विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इतिहास में पहला मौका था जब इतने बड़े स्तर पर पालिका प्रशासन ने स्थापना दिवस का आयोजन किया। देश में कारों की बिक्री अप्रैल महीने में 1.87% से बढ़कर 1,62,566 इकाई हो गई है, जो पिछले साल की इस अवधि में 1,59,588 इकाई थी। 24 अप्रैल के कैमरून के खिलाड़ी पैट्रिक एटेक को मैदान पर हार्ट अटैक आ गया था। इसके 2 घंटे के भीतर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सोनम कपूर का कहना है कि उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। उन्हें एक सही स्टोरी का इंतजार है।